छाया मंदिर दे टू यू हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतिका शर्मा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही थी, कुछ परेशानियां, कुछ बीच में समस्याएं आ गई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। पर मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पर आपको कुछ अच्छा सा ब्लॉग बना के देती हूँ। आप सभी भी अच्छे से दिवाली को एंजॉय करना, खूब सारे मिठाइयाँ खाना, पटाखे वगैरह चलाना और नए नए कपड़े पहनना। तो आज मेरे भाई का बर्थडे भी है दिवाली के दिन, तो हम अभी मंदिर जा रहे हैं। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ हम वहाँ पे क्या क्या करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे वीडियो में एंड तक। हैप्पी दिवाली आप सभी को एक बार फिर मेरी ओर से। और हम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आज जा रहे हैं मंदिर, छाया मंदिर, क्योंकि आज मेरे भैया का बर्थडे भी है और दिवाली भी है। तो हम आज बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। आप भी अच्छे से पटाखे चलाना, टीके दिए जलाना, पटाखे चलाए ना चलाए, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाना, अपने आप ही बनाना घर में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा केमिकल गजब बेइज्जती है। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। और आप देख सकते हैं आगे बर्थडे बॉय ने सब जो है अच्छी अच्छी विशेस कर देना। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं छाया मंदिर और ये है भगवान जी का मंदिर है। फोटोशूट चल रहा है, बहुत ही प्यारा मंदिर है ये और हमने दर्शन कर दिए हैं। और अब यहाँ पे हो रहा है भंडारा, मेरे को लग रही है भूख वैसा। सो फाइनली गाइज मंदिर से हम आ गए हैं वापस और यहाँ पे है मेरे ब्रदर्स बहुत सारे। हेलो गाइज। और यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, वो भी मेरे भाई का। इधर को, इधर को। बहुत सारी हस्ती आई है यहाँ पे, अच्छे अच्छे आप बहुत सबको जानते हो। गई है तन्नू दीदी। और अब हम यहाँ पे करेंगे केक कट और डांस वांस करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर घर की ओर रवाना होगी, क्योंकि शाम को दिवाली भी सेलिब्रेट करनी है। तो उसके लिए भी तैयारियाँ करनी है, काम करना है, तो जल्दी से यहाँ से घर निकलना है। पर अभी हम करेंगे लेट्स पार्टी टाइम। नमस्ते, हैप्पी दिवाली। हाँ लग गए, प्रणाम। ये है अक्षय भैया, अगर आप इन्हें भी जानते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रोहिन भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मै गॉड ब्लेस यू। ये लिख पा रही है पहले पहले यार, मेरे को फिर वीडियो में लाना बढ़िया। हाँ तो मैंने च
चलो अब करते हैं खान पीना, पार्टी भी हो गई, बर्थडे भी कर दिया। ये लिपाल पोथी हो गई, बस हो गया बर्थडे। Moments later, guys, हम आ गए थे घर वापस और फिर थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद हम लग गए थे अपने काम में, क्योंकि हमने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। हम मिठाइयाँ, पकोड़े, सब कुछ हम घर में ही बनाते हैं क्योंकि हम बाहर से नहीं लाते हैं। और आज तो भैया का बर्थडे भी है, तो अभी उनका पूजन हो रहा है, पूजा पाठ होगा, उसके बाद दीपमाला होगी, तो मैं आपको वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी। आई होप कि आपको वो पसंद आए, तो चलो फिर ऊपर चलते हैं। दादी जी वहाँ जाओ, नीचे दीप माला। नहीं पापा जी, मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये वीडियो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दादी जी कैसा लग रहा है आपको? हाँ, और ये आपको भी, और ये आप देख सकते हैं हमारी दीपमाला कुछ ऐसी है। भोजन अवस्था और जो भी बनाएंगे सब हमने खुद ही बनाया, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ। पकौड़े बनाए हैं पनीर के और गोभी के और मोमोज वगैरह और मिठाइयाँ सब कुछ बनाया है, ये तो बाहर से लाया है। चलो हम जल्दी से खा लेते हैं उसके बाद। इनको देख सकते हैं आप नीचे दो नमूने। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हमारी दिवाली तो बहुत ही अच्छी रही, हमने पटाखे वगैरह चला दिए हैं, पूजा पाठ भी कर दिए और खाना वाना भी खा दिया है, और अब करेंगे डांस वांस।
बच्चों को बुलाया गया क्योंकि भैया का बर्थडे है। हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी है। 3 फुलझड़ियाँ बची है, मैंने चलाऊंगी और मिलते हैं आपको उसके बाद, थोड़ा डांस दिखाएंगे। और बाकी आप भी कमेंट में बताना कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही। आई होप कि आपकी भी बहुत अच्छी दिवाली रही होगी। अब हम करते हैं शुरुआत। चलो बाहर मम्मा जाओ। बहुत आई थी ये है मेरी माता श्री और ये भी है इधर मेरे ताई जी, मेरी बड़ी माता श्री और ये है इधर दादी जी। इधर आओ, हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली मुबारक हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा बेटा। और खाने में क्या क्या बना था? खाने में पनीर के पकोड़े और खीर और पटांडा और मोमोज और गोभी के पकोड़े और दादी जी खीर तासा और मिठाइयाँ किस चीज़ की थी? मिठाइयाँ ये है दिवाली। तो मतलब कि आपने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया? हाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आपको कैसा लगा दिवाली में? आपको कैसा लगा? है ना, तो फिर आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ा डांस किया तो मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, बोलो हैप्पी दिवाली। कैसी रही आप सभी की दिवाली? बोलो जल्दी। तो आप क्या करने वाले हैं इसके बाद? आप सभी